खबर प्रयागपुर बहराइच से है, जहां सोहरियावां गांव निवासी युवक ने पत्नी के मोबाइल पर मैसेज भेजकर फंदा लगाकर जान दे दी। पति की आत्महत्या की सूचना पाकर रात में पत्नी ने भी मायके में फंदा लगाकर जान दे दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची है, परिवार के लोगों से वार्ता चल रही है। प्रयागपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत सोहरियावां निवासी बजरंगी पुत्र हरिशंकर उर्फ नान बाबू का विवाह 3 वर्ष पूर्व विश्वेश्वरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम भागीरथ पुरवार निवासी कविता पुत्री उमेश के साथ हुआ था। इसी वर्ष मार्च माह में दोनों का गौना हुआ था। इस समय पत्नी अपने मायके में थी जबकि पति अपने घर था। रविवार को बजरंगी 23 ने अब पत्नी को मैसेज भेजकर परिवार के कलह के बारे में जानकारी दी। इसके बाद उसने घर में ही फंदा लगाकर जान दे दी। पत्नी को यह सूचना मिली तो वह सदमा सह न सकी। रात में पत्नी कविता 21 ने घर में फंदा लगाकर जान दे दी। सुबह घटना की जानकारी हुई तो परिवार में हड़कंप मच गया। गाँव के लोगों की भीड़ एकत्रित हो गयी। कविता के परिवार के लोगों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। थाना अध्यक्ष अनुज कुमार त्रिपाठी ने पुलिस टीम को मौके पर गांव भेजा। परिवार के लोगों से वार्ता चल रही है। थाना अध्यक्ष अनुज त्रिपाठी ने बताया कि परिवार की तहरीर पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। उधर प्रयाग में युवक के परिवार के लोग पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर रहे। युवक ने आत्महत्या से पूर्व पत्नी के मोबाइल पर मैसेज भेजा, जिसमें उसने अपने ही परिवार की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया। यह मैसेज भी वायरल हो रहा है। हालांकि अभी इस मामले में किसी की तहरीर तरफ से तहरीर नहीं दी गई है। Thank you.